हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू रैंसी यू टी वी। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक टर्टल, रेड आई टर्टल, गोल्डफिश खाता है और कैसे खाता है वो आप देख सकते हैं। दरअसल मेरी ये गोल्डफिश ओवर फीडिंग के कारण मर गई थी। मैंने ज़्यादा फीड नहीं किया था, बट मैंने अलग से ट्रीटमेंट के लिए रखा था, वाइट स्पॉट के ट्रीटमेंट के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली खाना इन्होंने ठीक से खाया नहीं और जिसकी वजह से ये वाला ने ज़्यादा खाना खा लिया एंड गॉट डाइट। सो आप देख सकते हैं किस तरह से टर्टल्स फिश खाते हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से खा रहे हैं ये टर्टल गोल्ड फिश को। इनफैक्ट बहुत पहले की बात है, मैंने इन टर्टल्स को अपने फ़िश टैंक में रखा था जब ये बहुत छोटे थे और बहुत अच्छे से रह रहे थे बाकी गोल्ड फिश और बाकी फिश के साथ, बहुत छोटे थे। पर एक दिन मैं बाहर गया था और धीरे धीरे ये बड़े होने लगे। एक दिन मैं बाहर गया और वापस जब आया तो देखा तो एक भी गोल्ड फिश गायब थी, फिश टैंक ऊपर से बंद था और मैं ये नहीं समझ पाया कि पूरी की पूरी गोल्ड फिश कैसे गायब हो गई। उसका कोई ट्रेस नहीं था, कोई मार्क नहीं, कोई मरा नहीं था अंदर, कुछ गायब ही थी बिल्कुल। मुझे लगा बाकी फिशेस ने, शायद एक शार्क फिश भी थी उसने खाया होगा, बट बाद में धीरे धीरे मुझे पता चला कि नहीं, वो टर्टल्स थे। जैसे जैसे बड़े होने लगे थोड़ा सा एग्रेसिव होने लगे और फिशेस को लेकर के, और क्योंकि जब मैं फ़िश फूड डालता था तो ये फ़िश फूड भी खाते थे। सो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि ये फ़िश भी खाते हैं। सो एनीवेज चूँकि अब ये फ़िश मर चुकी है, सो एटलीस्ट किसी की डाइट बन सकती है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये गोल्डफिश खा रही है। आज के लिए तो इनका डाइट काफ़ी हो जाएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक दे विल स्टिल ट्राई टू फिगर इट आउट हाउ टू ईट दिस बिग फिश, और जल्दी आई एम श्योर ये ख़त्म कर देंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड आई विल कीप यू अपडेटेड।
Thank you for watching the video. Please like the video, share and subscribe the channel. Thank you.